हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। कल आपका है 1 सितंबर मंथ और आपकी कल वीकली एक्सपायरी होने वाली, दैट मीन सितंबर मंथ की फर्स्ट एक्सपायरी, आप वीकली एक्सपायरी आप कह सकते हैं। और कल बहुत ही ज्यादा आपका वॉलेटिलिटी एक्सपायरी होने वाली है। वॉलेटिलिटी एक्सपायरी क्यों होगी, आपको अभी समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। और कल जैकपॉट भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जैकपॉट अपर साइड में भी हो सकता है, लोअर साइड में भी हो सकता है। तो कैसे कल कैसे ट्रेड को प्लान करें उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ट्स के, चार्ट को हम कन्वर्ट करते हैं 1 मिनट आवर फ्रेम में, ताकि आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कल हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर 1 आवर चार्ट में, 1 आवर्स में टाइम फ्रेम में चार्ट्स को हम कन्वर्ट करते हैं, तो सिंपली आपको एक चीज विजिबल होगी कि मार्केट जो लास्ट में आप देखेंगे कि मार्केट ने लास्ट जो स्विंग हाई बनाया था, इसके बाद मार्केट ने फॉल दिया, तो वापस मार्केट ऊपर गया और फिर एक फॉल दिया और उसके बाद वापस मार्केट उसी लेवल पे आ गया। दैट मीन्स एक तरह से आप देखें डबल बॉटम पैटर्न बनाया, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न में ये जो रैली है बहुत खतरनाक है, ये सिंगल डे रैली है जो सबको कैच नहीं होती है। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर निकलता, देखिए आप क्लियरली आपको विजुअल होगा कि मार्केट का हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस फेस एरिया है, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया आप इसको ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने सिंगल डेज में इतनी बड़ी रैली कवर की है, तो जाहिर सी बात है सिंगल डे रैली में इतनी बड़ी रैली कवर की है, तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो इनको प्रॉफिट में रहेंगे ये लोग। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है देन ये सारे पैनिक सेलिंग आएगी और फिर मार्केट जो है वापस नीचे आ सकता है। और मैं अगर मार्केट कहीं यहीं पर रुकता है देन आपको प्रॉफिट, दोनों लोग जो कॉल सेलर्स है पुट सेलर, उनको प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो बात करते हैं लेवल से कल कैसे हम ट्रेड को प्लान करते हैं। देखिए ट्रेड प्लान के लिए चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ताकि हमको समझ में आएगा कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर पाते हैं। तो जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो क्लियरली आपको विजुअल होगा कि मार्केट जो क्लोज हुआ दैट इज 39,520 के आसपास मार्केट जो हमारा क्लोज हुआ है। अगर आप देखेंगे ये एक राउंड नंबर भी है, इंपॉर्टेंट नंबर भी है। तो अगर इस लेवल के ऊपर लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पर था, इसके बाद मार्केट ने सेलिंग आई थी, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है और आज जो है मार्केट बंद है, दैट मीन्स जिन लोगों ने ट्यूजडे को पोजीशन बनाई हुई है वो डायरेक्टली थर्सडे को पोजीशन अपनी ओपन करेंगे मार्केट ओपन होगा। तो अगर मार्केट में गैप डाउन गैप अप नहीं हुआ है तो आप जो थीटा डीके होगा उसकी वजह से जबरदस्त ऑप्शन की प्राइस जो नीचे गिर चुकी होगी, क्लियर। तो अगर मार्केट जो है 39,550 के ऊपर 1 आवर सस्टेन कर जाता है, ध्यान रखिए 1 आवर सस्टेन कर जाता है, देन रॉकेट मूव आएगा जो मार्केट को 40,050 तक लेके जा सकता है, मतलब 40,000 राउंड नंबर है वहां तक फिर मार्केट आपका जा सकता है अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता और यहीं पर ट्रेड करता है तो दोनों आपको 39,500 पे जो आपके कॉल राइटर्स हैं प्लस पुट राइटर्स हैं दोनों ही पैसे बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट जो है थर्सडे का दिन है, 2 दिन का गैपिंग उनको मिल चुका है, तो थ्री डाटी का जबरदस्त होगा, अच्छा खासा जो स्टेटस सेलर है वो पैसा बना सकेंगे। लेकिन अगर मिले मार्केट अगर 39,500 के नीचे 39,450 के नीचे ट्रेड करने लगता है, 15 मिनट में ट्रेड करने लगता है, देन ध्यान रखिए मार्केट में फॉल आएगा, क्योंकि जितने 39,500 के ऊपर पुट राइटर्स वो सारे ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट में ओपी पोजीशंस को बुक करेंगे, मार्केट में नीचे सेलिंग आएगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, देखते हैं ऑप्शन चेन डेटा में क्या इंडिकेशन मिला है कि मार्केट में एक्सपायरी हमारी क्या हो सकती है, क्यों कुछ पोजीशन हमारे बनते हैं। जब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, ऑप्शन चेन डेटा में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। मार्केट जो एक्सपायर हमारा ट्रेड करता है 39,500 के लेवल, यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 12 लाख के पुट राइटर्स यहाँ खड़े हैं। सेम कॉल राइटर बात करते हैं 17 लाख कॉल राइटर्स हैं, दैट मीन्स अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये 17 लाख पुट कॉल राइटर जो ट्रैप हो जाएंगे तो मार्केट को शॉर्ट कवरिंग करा के 40,000 तक लेके जाने के क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे गैप अप गैप डाउन होता है देन आपके ये 12 लाख ऑलमोस्ट 13 लाख जो है ये ट्रैप होंगे और फिर मार्केट को ये नीचे लेकर जाने की, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ के पास आएगा ये अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगेगा। तो ये आपका मेक और ब्रेक लेवल 39,500। अगर नीचे कहाँ तक आता है, नीचे अगर आप देखेंगे तो 39,000 जो मेजर लेवल है, फिर आप बाकी छोटे लेवल छोड़ दीजिए, 39,000 का बड़ा लेवल जहाँ पे 24 लाख के पुट राइटर्स है, मे से पुट राइटर यहाँ पर रखी है। अब अगर आप देखेंगे 39,000 पे भी अभी भी कॉल लेटर्स बचे हुए, 10 लाख कॉल लेटर्स बचे हुए थे यहाँ पर, एक तो समय पर 20 लाख कॉल लेटर्स थे लेकिन ऑलमोस्ट 50% आपके आप 50% आप अनवर्निंग कर चुके हैं, फिर भी 10 लाख बचे हुए हैं। दैट मीन्स ये लोग भी अपनी पोजीशंस को स्क्वायर अप करेंगे, दैट मीन्स मार्केट जैसे नीचे आएगा ये लोग अपनी पोजीशंस को हटेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 1 दिन गैप होने के बाद मैसिव जो है थीटा डीके मिल चुका होगा, इन्हें लॉस में ऑलरेडी होंगे, अपने पोजीशन को बचाने के लिए यहाँ पे अगेन ये बाइंग करेंगे, क्लियर। मार्केट फिर से वापस यहाँ तक जाता है, मतलब ये रेंज अगर मार्केट होल्ड कर लेता है, मतलब ट्रेड इस रेंज में करता है, मैसेज जो रन आने वाला और इसके ऊपर आने वाला, जैसे मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है 1 आवर का, देन मार्केट आपका 40,000 पे आपका जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मैसेज कॉल राइटिंग हो रखी है 22 लाख की और पुट साइड में कोई कॉल राइटिंग नहीं हुई है, क्लियर। दैट मीन्स यहाँ मैसेज सपोर्ट आपका मिलने वाला है, हर लेवल पे होल्ड रखिए लेकिन ये मैसेज सपोर्ट आपके लिए काम करेगा।
आई होप आपको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी क्लब कैसे ट्रेड प्लान करना है। मेनली बात करते हैं जैकपॉट ट्रेड सेटअप का, जो काफी अच्छा काम कर रहा है हमारा। जो लोग ट्रेड ले रहे होंगे, आपको वेट करना कितने 15 मिनट्स आपको वेट करने हैं, ध्यान रखना 15 मिनट्स वेट करना है। इसमें कोई भी इंडिकेटर्स आपका यूज नहीं करना है, सबसे बड़ी बात यह है, ना कुछ आपको देखना है, आपको केवल 15 मिनट्स का यूज करना है। चार्ट हम यूज करेंगे बैंक निफ्टी का, स्पॉट और कैंडल्स का वेट करेंगे। जो कैंडल फॉर्म होती है, चाहे कैंडल हमारी रेड फॉर्म हो या कैंडल हमारी ग्रीन फॉर्म हो, उससे हमको मतलब नहीं है। कैंडल का हाई ब्रेक होता है हम कॉल बाय कर लेंगे, कैंडल का लो ब्रेक होता है हम पुट बाय कर लेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कैंडल का हाई ब्रेक होता है कॉल बाय करेंगे, कैंडल का लो ब्रेक होता है हम पुट बाय करेंगे, ध्यान रखिएगा। और हमारा टारगेट प्राइस कितना होगा 20 रुपीज, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस 20 रुपीज से कम मिल रही है उसको बाय करेंगे। दैट मीन 500 रुपीज पर लॉट जो हम रिस्क लेने वाले हैं, ऐसा रिस्क हम नहीं लेने वाले हैं, क्लियर। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके जैकपॉट स्ट्रेटजी है, तो रिस्क उतना ही नहीं जितना आपका कैपिटल आप सर्वाइव कर पाए, आप लॉस हो तो आप झेल पाए, प्रॉब्लम आपको ना हो। तो रिस्क पर लॉट आपका 500 रुपीज है, तो इस ट्रेड को आप जरूर लीजिएगा। 98% जो विनिंग रेट है, इसमें आपको डबल तो कैपिटल हो जाता है, कभी कभी आपको जैकपॉट लगता है, जैकपॉट में ही आपको 20 रुपीज वाले कॉल जो है 500 से लेकर 600 तक पहुंच जाती है, क्लियर। आई होप आपको बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप समझ में आ गया हो, कैसे कल हमको ट्रेड प्लान करना है। मिलने से बात करते हैं निफ्टी का ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, निफ्टी में कल कैसे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। निफ्टी का 50 का चार्ट अगर देखेंगे, तो निफ्टी के 50 चार्ट में ये बहुत ही रेयर चार्ट है। रेयर चार्ट क्यों है, अगर 50 टाइम फ्रेम चार्ट को देख रहे हैं तो मॉर्निंग गैप अप हुआ, उसके बाद देखते हैं कि हर एक कैंडल ग्रीन बनती जाएगी, मतलब सुबह से लेकर शाम एक कैंडल आपको 2 बजे के आसपास एक रेड कैंडल मिली, उसके बाद उससे बड़ी, मतलब उससे बड़ी जब इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया उससे बड़ी रैली फिर देखने को मिली। तो इस तरह की रैली बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन जब भी देखती है काफी अच्छा पैसा बनाती है। किसका बनाती है, नॉर्मली रिटेल ट्रेडर होता है इस ट्रेड में नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो डरता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ पर रिवर्स करेगा, अब रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं करता है और वेट में ही उसका निकल जाता है। बात करते हैं जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप में कैसे हमको निफ्टी में ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी का ट्रेड प्लान करने टाइम फ्रेम को कन्वर्ट करते हैं 1 आवर में, ताकि स्ट्रक्चर हमको समझ आए कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर क्या हमको कह रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी के स्ट्रक्चर में, तो सिंपल कि मार्केट जो लास्ट स्विंग आई था इससे भी काफी दूर है, इसका मार्केट जो सेल ऑफ आया, देन आपको मार्केट अब क्या वापस सेल ऑफ आया, और देन मार्केट ने नया सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया। दैट मीन मार्केट जो इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 17,700 के ऊपर, मार्केट जो सस्टेन कर रहा है, अगर 17,700 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, यानी कि सस्टेन करता है, देन मार्केट में जो है 17,000-18,000 के लेवल को आप कल ही देख सकते हैं। इसका लास्ट टाइम में हम वेट कर रहे थे, नीचे टच हम नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस बार अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कल ही हमको 18,000 के लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर मैसिव सेलिंग आएगी, जो मार्केट को 17,500 तक लेके जा सकती है या इसके नीचे भी लेके जा सकती है। 17,500 क्यों लेकर आई, क्योंकि या इसके नीचे अगर जाएगा, जितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशन में थे अपनी पोजीशंस को अनवाइंडिंग की है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो हुई नहीं, पोजीशन अपनी अनवाइंड करेंगे, तो पोजीशन अनवाइंड करेंगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है, क्लियर। तो ये आपको बात होगी ट्रेड सेटअप के बारे में। चलिए बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा, देखते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन डेटा में क्या इंडिकेशन मिल रहा है निफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। जब ऑप्शन चेन डेटा को हम रीड करते हैं, इसमें कुछ इंडिकेशन मिलेंगे कितने पुट राइटर्स किस लेवल पे खड़े हैं। मिलते हैं 17,750 पर, अगर आप देखें ध्यान से, पुट राइटर 9.7 लाख, ध्यान रखिएगा, और 17,754 लाख है। मिनिमल इस साइड देखेंगे तो इसी लेवल पे 70 लाख के ऑलमोस्ट, दैट मीन 17,700 कितना इंपॉर्टेंट लेवल, आपको समझ में आ गया होगा कि इसी लेवल पे दोनों ही साइड में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में मैसिव कॉल राइटिंग हो रखी है, पुट राइटिंग हो रखी है। दैट मीन अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर 15 मिनट से भी सस्टेन करता है, देन ये सारे ट्रैप होंगे और ये मार्केट को फिर ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नीचे सस्टेन करता है मार्केट, देन ये ट्रैप होंगे और मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे। कहां तक नीचे लेकर जाएंगे, ये लेके जा सकते हैं 17,500 के लेवल पे, जहां पे मैक्सिमम कॉल पुट राइटिंग हो रखी है 70 लाख की, क्लियर। अगर मार्केट ऊपर जाता है कहां तक लेके जा सकता है, 18,000, जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट 1 करोड़ की कॉल राइटिंग हो रखी है इस लेवल पे। तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है 500 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है, 17,500 से लेकर 18,000 के बीच में, इसी के बीच में मार्केट आपका एक्सपायरी होने वाली है। मैसिव आपकी कवरिंग कब, शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब मार्केट 17,700 के ऊपर सस्टेन करेगा या 17,750 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन आपकी मैसिव कवरिंग आएगी जो मार्केट को 18,000 तक लेके जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी कल के एक्सपायरी ट्रेड सेटअप के बारे में, आपको पसंद आ गया होगा। चलिए बात करते हैं एक और सेटअप के बारे में, एक्सपायरी जैकपॉट सेटअप, जो काफी ज्यादा पैसा बनाता है। सिंपली करना कि आपको बैंक निफ्टी का ये सारे एक्सपॉट जो आपके एक्सपायरी जैकपॉट सेटअप है, ये आपके बैंक निफ्टी के हैं। बैंक निफ्टी का आपको स्पॉट का चार्ट ओपन करना 50 मिनट्स का नहीं, आपको इस बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट आपको ओपन करना है, यानी कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट को ओपन करना है, उस पर आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ क्या करना है, इंडिकेटर लगाना है VWAP।
जैसे व्यू अप लगा लेंगे मार्केट ऊपर ओपन होता है, ध्यान रखिए मार्केट ऊपर ओपन होता है और नीचे इसके नीचे आके सस्टेन करता है 10 मिनट तक, सस्टेन करता है, देन आप पुट बाय करेंगे। कोई पुट बाय करेंगे जिसकी वैल्यू 20 रुपीज के आसपास होनी चाहिए, कोई पुट बाय कर लेंगे, जैकपॉट हो सकती है। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, ऊपर जाके सस्टेन करता है 10 मिनट तक, देन इसके ब्रेकआउट पे हम कोई भी कॉल बाय कर लेंगे जिसकी वैल्यू 20 रुपीज के आसपास होने वाली है, ये भी हमारा जैकपॉट हो सकता है। ध्यान रखें कि पर लॉट जो है 500, ज्यादा हम लॉट रिस्क नहीं लेने वाले क्योंकि एक्सपायरी डे है, तो ये हमारा जीरो हो सकता है, इसलिए रिस्क उतना ही ले जितना हमारे कैपिटल को कोई हमारे फर्क पड़ने वाला ना हो। तो फ्रेंड्स ये थी डिटेल एनालिसिस आपकी जैकपॉट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसके एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन कर ली, वहां मैं अपने ट्रेड्स को अपडेट शेयर करता हूं, लाइव ट्रेडिंग भी शेयर करते हैं जिससे काफी आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे ट्रेडिंग हमको करनी होती है और कैसे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, एनालिसिस पूरा देखने के प्यार पूर्वक धन्यवाद।